If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वही ब्लॉग है जो इससे पहले आपने देखा था। उस दिन मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किए थे और वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिए थे कपड़े धोने के लिए, तो वो मैंने क्लिप नहीं डाला था उस दिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मुझे लगा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के साथ स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पर वही उस दिन का क्लिप है। तो मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ और उसके बाद मैंने दो दिन के बाद आज शूट किया है। शूट करने के बाद तुरंत आज रात को बैठ के 9 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग मेरा जाएगा। आज है फ्राइडे, मतलब कि सैटरडे को मेरा ये ब्लॉग जाएगा। तो बस उसके अंदर मैं आज सैटरडे को जाएगा और फ्राइडे को आज मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा शूट करना था, तो वो सब किया था। मैं तैयार व्यार थोड़ा सा हुई थी, तो वो आपको आगे जाकर दिखेगा कि मैं क्यों तैयार हुई थी, कुछ काम था या क्या था, वो आपको पता चल ही जाएगा। तो बस यहाँ पर बस कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद मैं यहीं पर अपना वीडियो ये ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे और दो दिन के बाद फिर से शूट करने लगूंगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है अबाउट में लिखा हुआ इंडियन नहीं लखवीर सरोया के नाम पर है मेरा इंस्टा आईडी। और अगर आपको नहीं भी पता चलेगा तो आप मेरा जाकर अबाउट चैनल में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरा नाम क्लियरली दिख जाएगा, वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और साथ साथ में ही कोई मुझे सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं। तो चलो अभी आप हमारा वीडियो इंजॉय करें। यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ फ्राइडे को, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना फेस पे टचअप किया है और थोड़ा से आईब्रो फिल किए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ वीडियो शूट करना था तो मुझे लगा चलो इस व्लॉग में ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, व्लॉग भी साथ साथ में ही शूट कर देती हूँ। ये है टाइम इवनिंग का, मैं जब शूट करने लगी थी मुझे लगा आफ्टर लगता है टाइम आफ्टर 6 o'clock थे जब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था। और यहाँ पर मेरे ये फेवरेट ईयरिंग्स है तो वही वेयर कर रही हूँ। और साथ में ही मैंने एक नेकलेस लिया था इसी के मैचिंग, उसके साथ ईयरिंग भी है स्टड वाले, वो तो मैंने वेयर नहीं किए थे। नेकलेस भी मैंने वेयर नहीं किया था, वेयर करने के लिए मैंने निकाल तो लिया था बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा इस टी शर्ट के ऊपर से, क्योंकि इस टी शर्ट का नेक भी राउंड है और ये मेरा जो नेक पीस था वो भी राउंड था, तो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके का अगर हमें चौकर वगैरह वेयर करना तो उसके लिए हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है जहाँ ड्रेस का नेक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो जाकर हमारे ऊपर चौकर सूट करेगा। और यहाँ पर मैंने अपने आईलाइनर लगाना शुरू किया है, फिर मस्कारा लगाऊंगी। लिपस्टिक आज मैंने रेड कलर का लगाया, रेड चिल्ली रेड नहीं है, ये जस्ट मेहरून कुछ कलर होते हैं वो वाला लगाया है। और अभी आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें, अभी आपको मिलूंगी मैं वीडियो शूट करने के बाद सीधा जाकर किचन में। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
ना, मैं अभी जस्ट अपना एक वीडियो शूट किया, वो शायद आप इस ब्लॉग के बाद देखेंगे। तो शूट करने के बाद मैं आई थी कुछ काम करने के लिए, तो देखा कि मेरी बेटी अपने लिए डिनर बना रही है, मतलब कि पराठे लगी है बनाने। वैसे वो रात को ना पराठे खाती नहीं है, पता नहीं आज उसका मन हो रहा होगा, तो उसका लगा मम्मी बिजी है तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बोला तुम हटो, मैं खुद बना देती हूँ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे। तो वही मैं उसका पराठा बना रही हूँ, उसके बाद मुझे दूसरा कुछ काम है, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। तब तक के लिए आप थोड़ा सा मेरा वेट कीजिएगा, बस 2 ही पराठे बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने हैं। और ना हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, सुबह से साइक्लोन, कल से बोला हुआ है कि आज साइक्लोन है साइक्लोन है, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। उसके बाद अभी इधर बेलन कहाँ गया, तो सुबह से थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है, ड्रिजलिंग थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी देखते हैं कल तक कितना ज्यादा आता है। और ये देखिए मेरा जुगाड़, ये जो मैं टिश्यू पेपर लेकर आई थी ना, मुझे स्टैंड तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको थ्रेड को लिया और इसके अंदर डाला और स्विच बोर्ड के ऊपर ऐसे लटका दिया, आपको दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसे किया है मैंने मेरा जुगाड़। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to... तो मैं कहाँ पे सामान रखती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि उधर रखा है कि इधर रखा है। तो मैं बनाने वाली हूँ इसको, मैंने ना ये है ओट्स, ओट्स को मैंने सुबह में ड्राई रोस्ट कर लिया था, मतलब के ड्राई रोस्ट सबको पता ही होता है, विदाउट घी विदाउट ऑयल। तो इसका मैं पाउडर बना के रखती हूँ, इसको कभी कभार मैं मिल्क शेक बनाकर पी लेती हूँ, कभी कभार डोसा, कभी कभार ये जो पोहा वगैरह बनाते हैं वैसे, मतलब आप जिस तरीके से खाना पसंद करो ना वैसे बनाकर खा सकते हैं। और इसको ड्राई रोस्ट इसलिए मैंने किया है ताकि अगर पाउडर इसका जो है ना, ना ये ओट्स है ना, अगर विदाउट ड्राई रोस्ट करके रखेंगे ना, इसमें कीड़ा पड़ जाएगा अगर हम लोग काफी दिनों तक यूज नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा इसको ड्राई रोस्ट करके ऐसे रख देती हूँ, या फिर अगर हमें पता है कि हमें डोसा वगैरह खाना है या पोहा बनाना है या कुछ भी, तो मैं इसका पाउडर निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा मैं हमेशा आजकल पाउडर ही यूज करती हूँ और पड़ा पड़ा खराब भी नहीं होता। तो इसको मैं अभी, और ये आज ही नहीं कर रही, मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा मैं बचा के रख लेती हूँ। इसका कवर कहाँ पे गया, तो इधर पड़ा है। तो जब भी वीडियो बनाना होता है ना, तो हम लोग मिस
कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा किधर क्या सामान है, तो इसको मैं पीसने के बाद आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसको जब भी हमें ना बॉर्डर बना के रखना है तो अब ये इसमें ब्लेंड करने की वजह से दोबारा से इसमें हीट आ जाता है, तो हीट आने की वजह से वो अगर हम लोग डायरेक्ट बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको इस तरीके से बड़े बर्तन में निकाल के रख देना है ड्राई रोस्ट करने के बाद। और ड्राई रोस्ट करने के बाद जब हम लोग ऐसे ब्लेंड करते हैं ना तब भी, और उसके मतलब 12 घंटे के बाद, मतलब कि मैं अभी सुबह ही इनको बॉक्स के अंदर डालूंगी या फिर रात के 12-1 बजे, क्योंकि मैं जागती रहती हूँ, ज्यादा सोती नहीं हूँ, कम ही नींद आती है, तब मैं डाल दूंगी। तो अभी हीट है इसमें, तब मैं डाल दूंगी, ओके बाद में। तो बातें होगी बहुत, तो अभी मैं आप सबको करूंगी बाय बाय। तो आप मिलिएगा मुझे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैंने किचन में ही आपको बाय बाय बोल दिया, और इधर ना मैंने चने वगैरह रखे हुए हैं।